अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट मेरीज आइलैंड, उसके लिए बोट लेनी है तो हम बोट लेने जा रहे हैं सेंट मेरीज आइलैंड में, देखते हैं क्या है। तो ये है टिकट सेंट मेरीज आइलैंड जाने के लिए, 200 रुपये जाने, 200 रुपये आने, 800 रुपये दो लोगों का आना जाना। ये नज़ारे सेंट मेरीज आइलैंड के, और अभी हम यहाँ बस चिल कर रहे हैं। काम है ये बीच मालपे में, अगर कोई आ रहा है तो यहाँ आना है, तो सनसेट के टाइम पे अच्छा है माहौल, बाकी हवा तेज़ है और आखिरी बोट का टाइम भी हो रहा है, 5:45 को यहाँ से लास्ट बोट जाती है।
बीच रिसोर्ट बिल्कुल बीच प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी एंड बीच व्यू रूम ही लेना, बालकनी के साथ आता है। कैमल राइड रह गई, ये नेहा करेगी कैमल राइड। हाँ, नेहा को कैमल राइड करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, लगता है कि एनिमल्स पे राइड करना बिल्कुल ही गलत है, क्यों उनको ऐसा टॉर्चर देना, आप सबको भी अवॉइड करना चाहिए थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए, हम कैसे जानवरों में इतना टॉर्चर करते हैं। वो आ गए अपनी प्रॉपर्टी, जाने वाले हैं सुबह सी वॉक जाने वाले हैं, उसके बाद हम मुरुदेश्वर के लिए नहीं, उसके बाद हम वो जाएंगे ना डेल्टा पॉइंट, जहाँ पे डेल्टा पॉइंट पे रिवर और सी दोनों मिलते हैं और बहुत ही काम और पीसफुल जगह है सेंट मेरीज आइलैंड से अच्छी। डेल्टा पॉइंट जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना वापस आके यहाँ से पैकअप करके गोकर्णा के लिए निकलेंगे। तो आगे आपको दिखाएंगे कैसा भी है गोकर्णा में, क्या करते हैं हम लोग, मे बी हम बीच में पहले मुरुदेश्वर चले जाएं। नहीं, उससे पहले मरवंते में ड्रोन शॉट्स भी लेना है, जहाँ पे रोड बिल्कुल बीच में और पानी मतलब नदी और समुंदर है साइड में।